हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान आइस काउंसलिंग 2020 के बारे में, किसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है फर्स्ट राउंड की, एंड राजस्थान में कितनी BMS की कॉलेज है और उन BMS की कॉलेज की जो फीस है वो कितनी है, एंड कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग के टाइम पे, एंड आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन सी जो सावधानी है वो रखनी है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए गाइस, यदि आप भी आइस काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। और यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते रहे मेडिको अड्डा चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी आईएएस कॉलेज हैं उनके बारे में, उनमें कितनी सीट है एंड कितनी फीस है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और लास्ट में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में। तो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो टोटल 11 कॉलेज है, जिसमें से 9 जो हैं प्राइवेट कॉलेज है और 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, जोधपुर एंड उदयपुर। बाकी की जो कॉलेज है वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 1,80,000 से 2 लाख के बीच में होती है। ओके गाइस, तो जो पहली कॉलेज है वो श्री बनवार लाल कॉलेज, जिसमें कि 60 सीट है, एंड दूसरी कॉलेज पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि श्रीगंगानगर है, इसमें भी 60 सीट है। तीसरी कॉलेज शेखावटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो झुंझुनू में, इसमें भी 60 सीट है। एंड 4 नंबर की कॉलेज श्रीडी साई बाबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर, इसमें 50 सीट है। एंड 5 नंबर की कॉलेज आ जाती काला आश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि उदयपुर में, इसमें 60 सीट है। एंड 6 नंबर की कॉलेज आ जाती महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में, इसमें 100 सीट है। एंड नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं 7 नंबर की कॉलेज जो कि केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि झालावाड़ में, इसमें 60 सीट है। एंड 8 नंबर की कॉलेज है श्रीगंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो कि श्रीगंगानगर में, यहाँ पर भी 60 सीट है। एंड लास्ट कॉलेज की बात करते हैं 9 नंबर की ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जहाँ पर 60 सीट है। ओके गाइस, तो ये थी आयुर्वेदिक कॉलेज। इसके बाद करते हैं होम्योपैथिक कॉलेज के बारे में कि होम्योपैथिक की कॉलेज कहाँ कहाँ पर है। तो पहले नंबर की जो कॉलेज आ जाती है वो युवराज प्रताप सिंह जो कि अलवर में, इसमें 75 सीट है। दूसरे नंबर की स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में, इसमें 100 सीट है। एंड तीसरे नंबर की कॉलेज है मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि बीकानेर में, इसमें भी 75 सीट है। एंड 4 नंबर की कॉलेज आती है भारतीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि भरतपुर में, इसमें 40 सीट है। एंड 5 नंबर की कॉलेज आते हैं आरोग्य होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में, इसमें 60 सीट है। एंड 6 नंबर की कॉलेज आता है श्रीगंगानगर कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जो कि श्रीगंगानगर में, इसमें 100 सीट है। एंड 7 नंबर की कॉलेज आ जाते हैं माधव होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि माधव यूनिवर्सिटी अब्बू रोड पर है, इसमें भी 100 सीट है। एंड 8 नंबर की कॉलेज आ जाती है होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में है, जिसमें 100 सीट है। एंड 9 नंबर की जो कॉलेज आ जाए वो ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में, इसमें भी 60 सीट। एंड लास्ट कॉलेज की बात करते हैं वो है यूनानी की, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में, जिसमें कि 50 सीट है। तो गाइस, ये हमने बात कर ली आईएएस कॉलेज की कि कितनी आईएएस कॉलेज है राजस्थान में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है एंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। ओके गाइस, तो बात हेलो करते हैं। गाइस, तो इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14/12/2020 से स्टार्ट हो चुका है और 20/12/2020 इसकी लास्ट डेट है। एंड इसकी चॉइस फिलिंग जो आपको करनी है 21/12/2020 से 22/12/2020 के बीच में करनी है। एंड इस फर्स्ट जो राउंड है उसका रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो 25/12/2020 को होगा। एंड फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में जाके करवानी है वो 26/12/2020 से 29/12/2020 के बीच में करवानी है, और जो फीस है, जो शुल्क है, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ ले जाना है। ओके गाइस, एंड फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीट वैकेंट रही उसके लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो यानी कि 30/12/2020
2020 को पब्लिश होगा। एंड सेकेंड राउंड के लिए जो वापस से रजिस्ट्रेशन होगा वो 31/12/2020 से 1/1/2021 के बीच में होगा। एंड सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो 3/1/2021 से 4/1/2021 के बीच में होगी। ओके गैस, एंड सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो 7/1/2021 को होगा। एंड सेकेंड राउंड के लिए आपको जो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है वो 8/1/2021 से 11/1/2021 के बीच में करवानी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको कितनी फ़ीस जमा करवानी है। ओके गैस, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 25,000 जो है वो जमा करानी है, ये आपको जमा करवानी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। ओके गैस, ये और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे या फिर रिपोर्टिंग, जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओ कॉलेज में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके गैस, तो वीडियो को देखते रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करो तो उसको अच्छी तरह से फिल करना, उसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्यों अगर कोई भी गलती या कोई मिस्टेक की तो आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा और उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो गए और आप जो पूरी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करना आता है तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर ही बनाऊंगा, उसको देख के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करना आता है तो। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना, ताकि उनको भी पता लगे कि राजस्थान की BMS की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और गैस, एक और बात कि मैंने मेरे चैनल मेडिको अड्डा का एक ग्रुप बना रखा है, अगर आप भी वहाँ पर ऐड होना चाहते हो और आपके पास भी यदि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वहाँ पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके मैसेज कर दे, आपको मैं वहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो ओके गैस, थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।